तो मैंने इतना दिमाग लगा के एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला था, वो ये था कि जो हमारा 20th का संगीत हुआ था उसमें मैंने अपने फ़ोन से ही शूट किया था जो डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आई थी, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था पूरे ब्लॉग में। तो मैंने सोचा इस बार मैं क्या करूँगी, अपना कैमरा यूज़ करूँगी। मैं कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है कैरी करने के लिए, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती, जिसके लिए मुझे लखन बहुत ज़्यादा डांटता है कि दीदी आप कैमरा यूज़ करा करो। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इस बार डांस परफॉर्मेंस के लिए तो मैं कैमरा ही यूज़ करूँगी। मैंने अपने भाई को पकड़ा दिया था, नवीन को, कि भाई तू बना दियो सारी डांस की वीडियो इस साइड से, और इस साइड से अपने फोन से बना दूंगी या किसी से बनवा लूंगी। बट बनी दोनों साइड से वीडियो है, लेकिन कैमरे ने ऑडियो ही कैच नहीं की है। कैमरे ने ऑडियो कैच की है लास्ट की, जब हम सब लोग स्टेज पे थे, जब अंकल मतलब लखन की फैमिली स्टेज पे थी, वो वाली बातें कैच की है, कोई गाना कैच नहीं किया। गाने ऑडियो ही नहीं आ रही है, किसी भी क्लिप की ऑडियो नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब मैंने इतनी मेहनत से दिमाग पूरे उसमें मैं ऐसे ऐसे लेके घूम रही थी इतने भारी कैमरे को, और कोई ऑडियो ही नहीं आई है। स्टिल गाइज, अगर वो आपको थोड़ी ब्लर और वैसे दिखे वीडियोज़ जो मोबाइल से कैप्चर की गई है, तो फिर भी आप कमेंट मत करना, आप समझ जाओ मेरी क्या सिचुएशन है, कितना बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हो। तो चलिए शाम का आगाज करते हैं सभी की तालियों के साथ। चलिए साथ मिलकर आशीर्वाद देते हैं। क्या बात, इससे बेहतरीन आगाज और अपनी प्यारी बहू रानी के स्वागत के लिए वो स्टेज पर आएंगी। एंड वी गॉट टू मेक सम नॉइस, कम ऑन एवरीबॉडी। 1 2 2 1 2 2 हो गई मुंडे जी पूरा लंदन धमकदा हाय हाय पूरा लंदन धमकदा। तू कहती भी क्या बात है मम्मी जी, अच्छा भाई इतना अच्छा परफॉर्म करोगे और हम आपको ऐसे ही जाने देंगे। Can we all make some noise for her? अच्छा, डांस तो आपने बहुत अच्छा किया और अब नीतू घर में आ रही है। वैसे लखन तो आई एम श्योर आपके लाडले हैं, लेकिन अब ज्यादा प्यार किसको मिलने वाला है, नीतू और लखन? नीतू लखन बाय बाय। नीतू बका हर बात में पक्ष किसका लेने वाले हो? नीतू का पक्ष लेती हूँ। नीतू यू आर द लकीएस्ट वन हियर एंड लखन इज राइट। अब कोई भी काम निकालना, लोग कुछ कहना चाहेंगे अपनी बहू रानी को? मैंने बहू को भी माना ही नहीं है, बेटी समझती मेरी। बस क्या बात है, बस यही हम सुनना चाह रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू गेव एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड जोरदार तालियां सभी की, कम ऑन एवरीवन। तो ये है पूना जोरदार तालियां और everyone is looking so amazing. You guys are such an amazing people. Okay guys, are we all ready to have Poonam Didi? यार मेरे साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं जब भी स्टेज पे खड़ी होती हूँ ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊंचा सुनने लग जाती हूँ। Are we all ready? All right, तो चलिए बुलाते हैं पूनम दीदी को उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। पागल मत कर, ये गाना मेरा है। वो लड़की वाले कह रहे हैं कि हम धमाल बहुत ज्यादा मचाने वाले हैं। सो दिस परफॉर्मेंस इज बाय पूनम दीदी एंड नीतू। और ये जवाब देने के लिए हमारी दुल्हनिया खुद आने वाली है।
तो क्या लड़के वाले ये जवाब देखने के लिए तैयार हैं? नहीं पापा जी, इस लाइक की पता नहीं क्या होने वाला है, बहू रानी आ रही है अपनी। वह लड़के वालों ने जो आग लगा रखी है उस आग को बढ़ाने के लिए, नाउ हियर वी हैव अ गॉर्जियस ब्राइड कमिंग ऑन स्टेज विद आवर गॉर्जियस सिस्टर। सभी की तालियां, कम ऑन एवरीवन। वेल, आज की शाम इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट और बहुत सारी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हैं जो अभी शाम में आना बाकी है। और लड़की वालों की तरफ से आज की शाम की पहली परफॉर्मेंस बाय नीतू एंड पूनम। कम ऑन गाइस, वन मोर टाइम, मेक तो कौन जान सकता है इन्हें। सो दैट नोटोरियस थिंग, एक ऐसी हरकत जो लखन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है नीतू की, शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके लखन, यू हैव टू बी कॉशियस। एंड व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर सिस्टर? सो मच, शी हैज सो मच एनर्जी। So that's gonna be absolutely amazing. She's having a lot of energy, but short-tempered hai. That means pampering is super important, right, Neetu? And wo gussa gayab karne ke liye, what is that mantra? Shopping. All right. So I guess once in a week or twice in a week. Twice in a week. Neetu ka jo short-tempered hai, wo thoda aur short hone wala hai because she would love to shop every day, right? All right. Thank you, Poonam and Neetu. Thank you so very much. लेकिन मैं सोच रही हूँ पूनम एक बार आप वापस आ जाओ। ओके, अब आप स्टेज पर आ ही गए हो तो वेर इज सैंडी? वेर इज सैंडी? कैन यू ऑल मेक सम नॉइज एंड वेलकम सैंडी ऑन स्टेज? ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी अनदर परफॉर्मेंस, सुपर हिट परफॉर्मेंस। कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता।